हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। तो फ्रेंड्स, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं और व्हाट्सएप के डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने व्हाट्सएप के डाटा को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। उसके अंदर चाहे आप उसके कोई भी ओल्ड चैट डिलीट करना चाहें या कोई फ़ोटो पिक्स वीडियोस कुछ भी डिलीट करना चाहें या आपने डिलीटेड कर रखा है लेकिन फिर भी वो रिकवर हो सकता है, तो उसको परमानेंटली कैसे डिलीट करना है वो मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो हमें व्हाट्सएप से डाटा को परमानेंट डिलीट करने के लिए आपको दो काम करने होते हैं इसके अंदर। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या डिलीट करना है। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे आपको ये थ्री डॉट्स जो दिख रहे होंगे राइट में, इस पर क्लिक करके आपको सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ से आपको चैट्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको चैट बैकअप का एक ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैकअप है गूगल ड्राइव पे वो नेवर कर रखा है मैंने, तो मेरा कोई भी जो इसका बैकअप है वो गूगल ड्राइव पे नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप अपने डाटा को अपने जो भी व्हाट्सएप के अब बैकअप है आपका गूगल ड्राइव पे है तो आपको क्या करना है, अपने गूगल ड्राइव को ओपन करना है और वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का फोल्डर दिखाई देगा, आपको उसे डिलीट कर देना है। तो आपका ये व्हाट्सएप का डाटा जो भी बैकअप लिया होगा आपने वो डिलीट हो जाएगा। और एक काम और क्या करना है, आपको इससे बाहर निकल आएंगे एप्लीकेशन से और आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर या माई फाइल्स जो भी आपके फ़ोन के अंदर ऑप्शन होगा उसके अंदर जाना है और वहाँ से आपको इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाना है जहाँ पे आप व्हाट्सएप इंस्टॉल होता है। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का फोल्डर ढूँढना है इसमें। तो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे है ये व्हाट्सएप का फोल्डर, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे दिखाई देगा डाटा बेसिस, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेजेस यहाँ पे ये स्टोर दिखा रहा है, तो ये वो मैसेज होते हैं जो आपकी जो ओल्ड चैट होती है जो आप डिलीट कर देते हैं वो वाले मैसेजेस यहाँ पे भी स्टोर होते हैं। यहाँ पे आपका डाटा बेस बन जाता है जिससे वो रिकवर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस सारे मैसेजेस को वन बाय वन करके सिलेक्ट कर सकते हैं या सिलेक्ट ऑल करके आपको इन्हें डिलीट कर देना है। डिलीट कर दिया तो ये आपका डाटा जो है वो डिलीट हो गया है इसमें से, ठीक है। तो ये इससे आपकी चैट करंट चैट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इससे केवल आपकी ओल्ड चैट ही डिलीट होती है। तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप के डाटा को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप किस तरीके से अपने व्हाट्सएप के डाटा को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। उम्मीद करता हूँ आपने ये अब सीख लिया होगा और अगर आपको फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।